वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी स्टाइल। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक चैलेंजिंग वीडियो लाई हूं, जो कि 10 मिनट्स में मेकअप करने का चैलेंज है। और ये मैं चैलेंज पहली बार कर रही हूं और मैं खुद भी देखना चाहती हूं कि मैं ये चैलेंज पूरा कर सकती हूं कि नहीं। तो दोस्तों, ज्यादा लेंथी न बनाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां से मैं अपना टाइमिंग शुरू करती हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है प्राइमर से शुरू करते हैं अपना। ये मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है, सिलिकॉन बेस। ये वीडियो पूरे 10 मिनट्स का जरूरी नहीं है, ये वीडियो हो सकता है 8 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट में भी खत्म हो जाए, लेकिन अंडर 10 मिनट्स से उससे बाहर नहीं, एक्सेस नहीं जाएगा टाइम। इसके बाद फाउंडेशन की बारी। ब्लू हेवन का सब मैं अफोर्डेबल रेंज के ही प्रोडक्ट्स ले रही हूँ। ये मैंने ब्लू हेवन का फाउंडेशन ले लिया है। स्पॉन्ज की सहायता से इसको भी ब्लेंड कर ले रहे हैं। फुल कवरेज के लिए एक बार और ले लेते हैं। देखिए गाइस, अच्छा खासा इसने कवरेज दे दिया है। कंसीलर के लिए अंडर आई, आईलिड पे भी, जिससे कि मैं कोई भी आई शेडो लगाऊं तो वो पॉपअप हो जाए और उसका कलर जो है उभर के आए। बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ लेकिन होता नहीं है बहुत जल्दी। इसको ब्रश से ब्लेंड कर लेते हैं, काफी जल्दी जल्दी में भी नहीं होता जल्दी जल्दी। किसी भी ट्रांसल्यूशन पाउडर या फेस पाउडर से आप इसको सेट कर लीजिए, वरना क्रीज लाइन पड़ जाएगी। इसी ट्रांसल्यूशन पाउडर से मैं पूरा फेस कम सेट कर लेती हूँ। चलिए आई मेकअप शुरू करते हैं।
एक ही सिंगल ही कलर में लेना चाहूंगी, टाइम नहीं हो पाता है। हम लोगों ने आईज को प्रेप प्रेप किया हुआ था और आईलिड को भी हम लोगों ने कंसील किया हुआ था, इसलिए देखिए ये कलर कितना अच्छा उभर के आया है। ये खुद ही पाउडरी आई शेडो है, इसलिए इसको सेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों इसके बाद हम लाइनर की बारी, मैं ये ओरिफ्लेम का काजल आई लाइनर ले रही हूँ, जो कि एक ट्विस्टर शेप में है। वाटर लाइनर अंडर आई में भी यही लगा रही हूँ। फटाफट कॉन्ट्रिंग के लिए फेस कॉन्टोर, बहुत हल्का हल्का कॉन्टोर करना है। इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं हल्के हाथों से, बिखेरना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का ब्लेंड करना है। पूरी तरह स्मज नहीं कर लेना है कि कॉन्टोर पता ही ना चले। ब्लेंड इसलिए करना होता है कि कोई हार्श लाइन ना दिखे, कि ब्राउन लाइन खींची हुई है। कॉन्टोर कर लिया है तो कंसीलर से बहुत जल्दी जल्दी करने में लगे होते हैं। ब्लश हाइलाइटर की बारी, हाइलाइटर के लिए हम स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेक ब्लश और हाइलाइटर इसमें दोनों हैं। शार्प ब्रश की मदद से ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लेंगे। लिपस्टिक लगा लेंगे, लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि लिप बाम मुझे ड्रॉ से निकालना पड़ेगा। वैसे मैंने फेस मेकअप के लिए हर चीज को 80% कवर किया है, ये भी नहीं है कि छोड़ दिया है। आई मेकअप अपना मस्कारा से, सुपर कल मस्कारा मेबलिन का,
जो मुझसे छूट जाता हो कि मैं आपको बता नहीं पाती हूँगी ब्रांड का कि कौन से ब्रांड का मैं यूज कर रही हूँ, वो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। ये देखिए लोअर लैश को भी कर ले दोस्तों, फॉल्स लैशेस मुझे बहुत शौक होता है लेकिन मैं लगा नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं ट्राई नहीं करती हूँ। ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है आपको मेरा मेकअप लुक। दस मिनट से काफी पहले खत्म हो गया, आप टाइमिंग देख सकते हैं इस तरह से आया है।